नमस्कार। हमारी आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से ही काफी लोगों की लाइफ स्ट्रेसफुल है। लेकिन सिर्फ वर्क लाइफ इम्बैलेंस को ही ब्लेम करना सही नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो हर इंसान की जिंदगी में अपने अपने स्ट्रेस हैं जिनके साथ वो डील कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हम जब स्ट्रेस से डील करते हैं तो उसका हमारे दिल पर क्या असर पड़ता है। हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एक हार्मोन है जिसका नाम कॉर्टिसोल है, जिसके लेवल्स हमारी बॉडी में हाई हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर हम हैंडल करते जा रहे हैं तो उसका हमारे शरीर पे ऐसा असर होता है कि कॉर्टिसोल लेवल रेगुलरली हाई होने की वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। कभी कभी हमें सडन हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, जो कि साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस का हमारे हार्ट से एक डायरेक्ट लिंक है। चलिए, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब हमें करना क्या चाहिए? स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। कहना कितना आसान है और करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब आखिर दिल है, तकलीफ तो होती ही है जब कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे सामने क्रिएट कर दिया जाता है। तो हमें 2-3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने से हम शायद स्ट्रेस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। पहली बात, स्पिरिचुअलिटी। हमें भगवान जी से जुड़ जाना चाहिए, इससे हमारे मन को एक अनंत शांति मिलती है। एक दिन में कोई भी चीज सडनली नहीं हो सकती, लेकिन ये बात हर इंसान खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता है कि जितना विश्वास हम भगवान जी पे रखते हैं उतना ज्यादा हमारे मन को शांति मिलती है कि चलो जो हुआ वो हमारे कर्म थे, चलो जो हुआ वो भगवान जी की इच्छा थी और हम उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजें करनी होती है। एक तो ये कि अपनी पूजा खुद करें, दूसरों से मत करवाइए, और दूसरी ये कि धीरे धीरे मेडिटेशन की आदत डालिए। एक दिन में सडनली 1 घंटा मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी कोई उम्मीद हम अपने आप से ना करें। स्टार्टिंग में हम 1 या 2 मिनट की कोशिश करें, फिर धीरे 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 अपने मेडिटेशन को बढ़ाते रहें। मेडिटेशन के टाइम हम उसे गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आपको इवन यूट्यूब पे फ्री में भी काफी ऐसे म्यूजिक मिल जाएंगे जो गाइडेड मेडिटेशन के लिए होता है। तो हम शुरुआत उसके साथ कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन को अपने आप कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें डेली बेसिस में एक ऐसी एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए जिसका हमें शौक है। याद है बचपन में हमारी कई हॉबीज हुआ करती थी, लेकिन बड़े होते होते कभी हायर स्टडीज, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से सब कुछ छूटता चला गया। आज के दिन में आप 2 मिनट बैठकर सोचिए तो आप अपनी हॉबीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं, या शायद बहुत साल बीत चुके हैं कि आपने अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ भी किया हो। चाहे कोई गेम खेलना आपको पसंद है, चाहे आपको कोई बुक पढ़नी पसंद है, चाहे आप पेंटिंग पसंद करते हैं, या वेरियस ऐसी हॉबीज जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उस पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू कर दीजिए। उससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। ये तो हो गए बेसिक टिप्स। कभी कभी हम नॉस्टैल्जिक इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कजन्स और फ्रेंड्स को घर पे बुला लिया, उनके साथ पार्टी की, या उनके साथ पिकनिक प्लान कर लिया, या हमने उनके साथ कोई गेम्स अरेंज कर लिया। इस तरह के इवेंट्स भी हम कर सकते हैं। आजकल के बिजी स्केड्यूल में भी कभी कभी तो हमें छुट्टी मिलती ही है, उसमें हम इस तरह की एक्टिविटीज आराम से प्लान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपको वैसे भी इंटरनेट पे काफी बार मिलते ही रहते होंगे और आपने शायद ट्राई भी किया होगा, लेकिन कई बार हमें इन आइडियाज से उतनी सफलता नहीं मिलती है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानती हूँ कि इंडिया में लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जल्दी से नहीं जाना चाहते। एक खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं। एक बार मैंने एक चाइल्ड न्यूट्रिशन के केस में उनके पेरेंट को कहा था कि आपके बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, सिर्फ डाइटिशियन इस केस को नहीं हैंडल कर सकती। तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया कि अरे मेरा बच्चा पागल है। नहीं, आपका बच्चा पागल नहीं है, लेकिन या हम भी पागल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है।
इसीलिए अगर कोई साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हमें इसमें मदद कर सकते हैं तो उनके साथ मिलने में हमें कोई एतराज़ नहीं जताना चाहिए, कोई टाबू नहीं रखना चाहिए। इसलिए जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हमें लेनी चाहिए। जैसे कि हमारा शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, उसी तरह से अगर हमारा मन बीमार है तो मन को ठीक करने के लिए मन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आई होप मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाई हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करने के लिए, और इन छोटे छोटे आइडियाज़ को वर्क करने की कोशिश करके आप अपनी हार्ट को सेहतमंद रख सकते हैं। नमस्कार।